आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन पर नोट्स। हाइड्रोजनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड अनदर केमिकल स्पीसीज एंड दिस रिएक्शन यूजुअली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सच एज निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। हाइड्रोजनेशन इज यूज फॉर द रिडक्शन एंड सैचुरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड एंड देयर कैन बी टू टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट कॉसेस डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल। देन आपको रिएक्शन लिखनी है। द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल सिंथेसिस प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये दो बार लिख दी गई है लाइन, तो आप प्लीज़ इसको माइंड ना करें। हाइड्रोजनेशन इज यूज टू मैन्युफैक्चर गैसोलीन एंड वेरियस पेट्रोकेमिकल्स। देन आपका आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजी मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्केन्स। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। फर्स्ट आपका आ जाएगा हेटरोजीनियस हाइड्रोजनेशन एंड सेकंड आपका आ जाएगा होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। तो फर्स्ट आप लिखिए कि हेटरोजीनियस हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है। आप उसकी थोड़ी सी थ्योरी देखने के बाद आप उसकी रिएक्शन दे दोगे, फिर आप लिखोगे होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन क्या होता है, उसके बाद आप होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन में बता दोगे, उसके बाद देन आप लिख दोगे इसकी आगे रिएक्शन। फिर आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने नोट्स लिख के आपको बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं। उसके बाद आप लिखोगे डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। देखिए, होमोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है कि वो सेम फेज में होती है, और जो हेटरोजीनियस होती है वो डिफरेंट फेज में होती है। फिर आप लिखोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस्टोब्यूटीन, क्योंकि एग्जाम में इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। फिर आप लिखोगे हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये कुछ उसके केमिकल रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ एमीन्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल इथर्स एस्टर्स एंड कार्बामेट्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेनिंग। तो आपका यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए एमएससी का या 11th 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।